ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत और आपका बहुत आभार है। आपके जीवन में जितनी परेशानियां वर्तमान में चल रही है, उन परेशानियों के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है पितृदोष की। क्या है पितृदोष, क्या संकेत है और पितृदोष की वजह से कौन कौन सी परेशानियां किसी भी जातक के जीवन में आती है, उन्हें भी आज विस्तार पूर्वक समझेंगे। अगर आपका मन बार बार व्यथित हो जाता है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है एक समय के साथ में, तो ये पितृदोष का एक बहुत बड़ा संकेत है। दूसरा कारण है कि हमारे घर में बहुत से कलह होना, विवादित स्थितियां होना, चाहे वो जमीन जायदाद या किसी चीज या किसी हक को लेकर बहुत ज्यादा विवादित स्थितियां हमेशा बनी रहना, यह भी पितृदोष का कारण है। तीसरा है कि कोई भी काम में हमें सिद्धि नहीं मिल पाती, जिस भी काम में हम पूरी योजनाबद्ध तरीके से करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो ये भी पितृदोष होने की संभावनाएं पूरी हो सकती है दोस्तों। साथ ही साथ जीवन में बहुत उथल पुथल होना, अव्यवस्थित होना, झूठी चीजों में फंस जाना, व्यक्ति का मन काम नहीं करना, गलत दिशा में जाना, कितनी भी कोशिश करे चीजें सही नहीं कर पाना, और कुल मिलाकर बस एक ही गोल घेरे में बार बार परेशान होकर वहीं घूमते रहना, ये पितृदोष का एक बहुत बड़ा संकेत है। उन्नति रुक जाना, जीवन में कई सारी तरक्कियां है, उन तरक्कियों में बहुत सी बाधाएं आ जाना। पितरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसीलिए कहते हैं माता पिता की सेवा करने में ईश्वर की सेवा है। इसीलिए कहते हैं हमारे बुजुर्गों का श्राद्ध करें, जब भी श्राद्ध पक्ष में आए उनका नियमित श्राद्ध करें, और बुजुर्गों से जुड़े हुए, हमारे पूर्वजों से जुड़े हुए जितने सारे नियम धर्म कर्म हैं, हम उन्हें करने के लिए हमेशा आपको कहते हैं। उसके पीछे मूल रीजन यही है कि इससे हमारा पितृदोष शांत रहता है। खैर, ये सब परेशानी आपको पता लग गई है और इसमें से कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में होगी, तो आपको क्या करना है ये भी आपको समझना होगा कि पितृदोष के संकेत तो हमें पता लग गए हैं, पितृदोष के कारण तो हमें पता लग गए हैं, लेकिन हमें अब करना क्या होगा जिससे कि हम इस पितृदोष से बहुत आसानी से बाहर आ जाएं। सबसे पहला कदम आपको ये उठाना होगा कि जितना हो सके उतना अपने पितरों के नाम से दान करें, जरूरतमंद लोगों को दान करें, चाहे वो शिक्षा का दान करें, भोजन का दान करें, जो भी जरूरत की चीज हो अपने पितरों के नियमित दान अवश्य रूप से करें, सबसे ज्यादा पितर इसमें शांत होते हैं। दूसरा है गौ दान करें, गाय माता की सेवा करें। गाय की सेवा करने से पितृदोष में बहुत 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 रिलीफ मिलता है, ये मेरा निजी भी अनुभव है और इसलिए मैं इसे हमेशा कहता हूँ कि गाय की सेवा और उपासना करने से पितृदोष में बहुत रिलीफ मिलता है। तीसरा है पितृदोष की विधि पूर्वक आप शांति करवा सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगी, अपने आप ब्राह्मण देवता से बात कर लें और पूरी विधि विधान के साथ पितृदोष को आप शांत करवा सकते हैं। चौथा है कि हमेशा अपने घर के बुजुर्गों का विशेष सम्मान रखें, महिलाओं का विशेष सम्मान करें, इसमें महिलाएं भी शामिल है, सभी लोग विशेष रूप से सम्मान करें, क्योंकि जहां भी घर के किसी भी व्यक्ति का असम्मान हम करते हैं तो पितरों को सबसे ज़्यादा ठेस वहीं पर पहुंचती है और पितर सबसे ज़्यादा हमें नकारात्मक परिणाम वहां देते हैं। इसके अलावा गुरु मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें।